सब्सक्राइब कीजिए रचना में रुद्रा चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन बटन को हमारी लेटेस्ट रेसिपी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनाएंगे। इसके लिए हमने ये एक कद्दू लिया है, ये 650-700 ग्राम का कद्दू है। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। इसको हम छिलके सहित काटेंगे, छीलेंगे नहीं, ऐसे ही काटेंगे इसको। बीच में से ये वाला पोर्शन कद्दू का निकाल देंगे और इसको छोटे पीस में काट लेंगे। कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम मसाला डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें 1/4 चम्मच हींग है और 1 चम्मच मेथी दाना है, इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें सारा कद्दू डाल देंगे। एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। आधी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए। मसाले अच्छी तरीके से मिक्स करके कद्दू को ढक देंगे और गलने तक कद्दू को पकाएंगे। बीच में इसे 2-3 बार चला लेंगे। कद्दू में पानी डालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही इसमें धीमी गैस पर ये पक जाएगा। कद्दू को अब एक बार खोल के चला लेंगे। कद्दू को ऐसे ही बीच में 3-4 बार, जब तक कद्दू नहीं गल जाता, बीच बीच में ऐसे ही खोल खोल करके चलाते रहेंगे। कद्दू को एक बार खोल के फिर से चला लेते हैं। कद्दू अब एकदम गल गया है, इसको झरनी से इस तरीके से दबा कर देख लेंगे। इसमें 1 चम्मच इमली का पल्प डाल देते हैं। आप इमली के पल्प की यदि नहीं है तब आप अमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें 3 चम्मच चीनी डाल देते हैं। एक इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको बारीक काटिया है, और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, सब इसमें मिक्स कर देते हैं। और अब इसको 2 मिनट इसी तरीके से भूनेंगे, गैस थोड़ी सी सिम कर देंगे और इसको इसी तरीके से 2 मिनट रखा रहने देंगे, उसके बाद इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे।